top 10 private bee schools in India. Our focus is on cutting edge domain knowledge and benchmarking with world-class businesses. Big Tech, excellence with values. क्वेश्चन ये है कि आपने जब से अनशन शुरू किया आम आदमी पार्टी का सपोर्ट ऐसा कुछ दिख नहीं रहा, कोई बड़ा नेता अभी तक यहाँ नहीं आया, ना अरविंद केजरीवाल या मनीष सिसोदिया। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात हमारे लिए यह है कि जब 7 मई को कपिल मिश्रा ने यह सनसनीखेज आरोप लगाया कि 5 मई को वो अरविंद जी के घर गया और उसने ये देखा कि CM साहब के यहाँ सत्येंद्र जैन जी अरविंद जी को 2 करोड़ रुपये दे रहे हैं, हम सब आहत थे, कार्यकर्ता होने के नाते भी, विधायक होने के नाते, और मैं ही नहीं पूरे देश में आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता या समर्थक जो भी हैं सब आहत थे। मैं चूँकि जैन साहब पहले कह चुके हैं कि मैं 5 तारीख को CM साहब के यहाँ नहीं गया, मेरा कपिल से सवाल था कि आप ये बताइए कि आप 5 तारीख को जब गए थे तो कितने बजे गए थे, कौन सी गाड़ी से गए थे, जैन साहब के साथ गए थे, बाद गए थे, पहले गए थे, चूँकि ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। क्योंकि 7 तारीख को जो उसने आरोप लगाया उससे उसने कोशिश की कि इमेज टार्निश करें पार्टी की भी और हमारे संयोजक का, क्योंकि जो कोई भी अरविंद जी के साथ काम किया हो ना भी किया हो वो ये मानने के लिए तैयार नहीं है, विरोधी भी ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि अरविंद जी भ्रष्टाचार कर सकता है, इसका मतलब है उनकी कोशिश थी कि सबोटेज किया जाए। तो इसीलिए मैं चूँकि इस पार्टी का संस्थापक सदस्य हूँ, इसी जंतर मंतर के मैदान से आम आदमी पार्टी की स्थापना हुई है, तो मेरी जिम्मेदारी है कि उनके झूठ को बेनकाब करें। रही बात लोगों की आने की, कई सारे विधायक अभी भी 2-3 विधायक यहाँ आपको दिख रहे हैं, कई सारे लोग अरविंद जी से बात हुई थी ये अनशन शुरू करने से पहले? नहीं, देखिए मैंने जैसा पहले कहा, चूँकि मैं इस पार्टी का संस्थापक सदस्य हूँ, मेरी जिम्मेदारी है कि अगर कोई पार्टी की इमेज टारनेस करने की कोशिश करे तो अपनी जान देकर भी उस पार्टी की इमेज को बरकरार रखे। चूँकि आज एस्टेब्लिश पॉलिटिकल पार्टियों से लोगों का भरोसा उठा और आम आदमी पार्टी की तरफ एक होप की तरह देख रहे हैं, ऐसे में अगर कोई सेबोटेज करेगा तो हम इतनी आसानी से उसको हम सक्सेस नहीं होंगे, उसको बेनकाब हम करके छोड़ेंगे, इसलिए मेरी जिम्मेदारी थी। हाँ, कई सारे लोगों से बातचीत हुई अनशन के दौरान, वो कह रहे हैं कि नहीं आप अनशन ख़त्म कर दो, लेकिन मैं तब तक अपना अनशन ख़त्म नहीं करूँगा तब या तो कपिल मिश्रा 5 तारीख का सबूत दे दें या वो माफ़ी मांगे कि उससे गलती हो गई थी, वो देश से, पार्टी से, कार्यकर्ता से माफ़ी मांगे और उसने ये बताया कि उसने वो 7 तारीख को झूठ बोला था। जब तक ऐसा नहीं करेंगे अनशन जारी रखूँगा। कल भी उन्होंने अरविंद जी पे कई सारे एलिगेशंस लगाए, उस पर क्या कहना है आपका? मेरा यही कहना है कि देखिए आपको समझना पड़ेगा कि वो क्यों ऐसा कर रहे हैं। जैसा मैंने पहले कहा कि 7 मई को पूरे देश के सामने उन्होंने एक बहुत बड़ा झूठ बोला और उनको लगा कि उस झूठ में हम फंस गए, जब वो झूठ में फंस गए तो रोज़ एक नई कहानी बता रहे हैं। मेरा ये कहना है कि 2 साल से आप कैबिनेट मिनिस्टर रहे हो, 2-2 बार आपने चुनाव लड़ा, ये सारी बातें आपको पहले पता नहीं चली, जो ही मंत्रालय गई आपको पता चल गया, तो इसका मतलब, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, वो जितनी भी बातें आज कर रहे हैं वो सारी बातें भाजपा के लोग पहले से ही करते आ रहे हैं। कल का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने किया है, एक एक बातें भाजपा के लोग पहले से ही उठाते रहे हैं। मैं बता दूँ आपको कि हमारे पार्टी कार्यालय में इनकम टैक्स के एवरेज 5 नोटिस रोज़ आते हैं, हम रोज़ जवाब देते रहे हैं, इसमें कुछ नया नहीं है। जितनी बातें वो कह, प्रधानमंत्री जी ने 2 करोड़ की बातें मन से कहा था, उनके फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा था, तो मैंने कहा भाई एजेंसी भी तुम्हारी, सरकार भी तुम्हारी, तुम क्यों आरोप लगा रहे हो, जांच करा लो इसका। तो मेरा ये कहना है कि आज देखिए, आज आप मनोज तिवारी का आपने पेपर में देखा, उसने क्या कहा कि LG साहब को आम आदमी पार्टी की सरकार को बर्खास्त करने के लिए कुछ कोशिश करनी चाहिए, रास्ता ढूंढना चाहिए। दूसरी तरफ इनके बड़े बड़े नेता कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी को डीरिकॉग्नाइज कर देना चाहिए। क्यों डर है इतना? क्योंकि उनको खौफ है आम आदमी पार्टी के राजनीति करने के तरीके से। तो आज कपिल मिश्रा एक मोहरा है, कपिल मिश्रा के जरिए ये इमेज सैबोटेज करने का, टार्निश करने की कोशिश की जा रही है। तभी मैं आज अनशन पर बैठा हूँ कि कपिल मिश्रा के इस मंसूबे के या कपिल मिश्रा के पीछे, कपिल मिश्रा को शिखंडी बनाकर जिस तरह से भाजपा काम कर रही है उनके मंसूबों को कामयाब नहीं होने देंगे और जनता के सामने दूध का दूध और पानी का पानी रखेंगे। EVM हैकिंग के लेकर भी बहुत सारे प्रश्न उठे हैं, आपका क्या कहना है इसमें? प्रश्न है, मैं ही नहीं, इस देश के 18 पार्टी जाकर के माननीय राष्ट्रपति महोदय से ये निवेदन किया कि EVM के जरिए जो चुनाव में उनका भरोसा नहीं है, या तो जनरेशन 2 की मशीन से चुनाव कराए जाएं या बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाएं। केवल मेरा ही सवाल नहीं, आज कई पॉलिटिकल पार्टियों का सवाल है। अभी कुछ दिन पहले उन्होंने ऑलरेडी एक ऑल पार्टी मीटिंग भी करी थी।